आखिर ये क्या हो गया, कैसे हुआ राघव का एक्सीडेंट? जी हाँ, आपको बता दे कि राघव को काफी चोट लगी हुई है, उनकी माँ इसीलिए उनकी मरहम पट्टी कर रही है। राघव भी मेरी तरह घर जमाई बन रहा है क्या? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि आप ज्यादा वक्त तो गौरव गौरव सुनिए। अरे भाई क्या हो रहा है सर, आप हाथ खोल रहे। देखा तुमने मेरी वाणी के प्यार की कितनी ताकत है। आज तुम सही सलामत अपने परिवार वालों के साथ अपने घर पे। देखा उसका थोड़ा प्रोसेस कर दो। बोलो करें। लेकिन तभी इसी बीच एंट्री हो जाती है वाणी और उनके परिवार की, जहां वाणी की माँ आकर कहती है कि ये सब उसके व्रत का फल है जो राघव की जान बच गई है और राघव भी खुश है। साथ ही खुद अपने हाथों से वाणी का व्रत खोलना चाहता है। प्यार का खुल्लम खुल्लम खेल है। आगे आने से लेफ्ट वाले साइड के मां चल से प्लीज तुम शांत हो जाओ। मैं करता हूं दादी से बात। नहीं, तुम दादी को अभी बताओ कि तुम उनसे कितना प्यार करते हो। वाह, अब इस घर में खुल्लम खुल्लम प्यार की बातें होंगी। ले आओ मां, प्यार करना जुर्म थोड़ी ना है। और आप मुझे बताइए ना कि वाणी में क्या परेशानी है। दादी आपके आने से तो गलतियां होती रहती है, लेकिन उसका यह मतलब नहीं कि आप बार बार मेरे वाणी के संस्कारों पे उंगली उठाते रहेंगे। ये मैं भी नहीं बर्दाश्त करूंगी। देखा राघव, क्या क्या सुनना पड़ रहा है तुम्हारे इस प्यार के लिए। कैसी बातें सुना रही है माँ को। देख लो राघव, क्या क्या सुनना पड़ रहा है तुम्हारे इस प्यार के लिए। कैसे माँ को सुना रही है बातें। लेकिन ये सब दादी से बर्दाश्त नहीं होता और जैसे ही राघव वाणी का व्रत तोड़ने वाला था, दादी आकर खाने के थाल को जोर से धक्का देकर गिरा देती है। साथ ही वाणी पर भी बरस पड़ती है। तेरे पाप की ही सजा है जो मेरे पोते की जे हालत हो गई थी। आपका पोता मेरी जिंदगी है, खुद से प्यारा है वो, खुद से प्यारा है वो। तेरे पाप की ही सजा है जो मेरे पोते की जे हालत हो गई थी। आपका पोता मेरी जिंदगी है, खुद से ज्यादा प्यारा है वो मुझे। अरे दादी, इतनी सी तो बात है, तो क्या हुआ जे? इतनी सी बात ना है। इतनी सी तो बात है, तो क्या हुआ जे? इतनी सी बात ना है। और राघव, मैं तो ये प्यार करती हूँ, जाको फायदा मत उठा। दरअसल दादी को पता है कि वाणी ने अपना व्रत तोड़ दिया है। तभी वाणी भी बताती है कि ये सब उसने मजबूरी में किया है। आपको जो समझना है समझे, बात ये कि ये मेरे संस्कार और बड़ों के लिए आदर ही है। यहाँ से लड़ाई से ऐसे कर दो आप चाहे। बात तो ये कि ये मेरे संस्कार और बड़ों के लिए आदर ही है, वरना जो सुन सकता है वो सुना भी सकता है। वाणी प्लीज तुम शांत हो जाओ, मैं कर लूंगा बाद में दादी से बात। नहीं रा, तुम दादी को अभी बताओ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। वाह, पर इस मजबूरी की वजह दादी ना समझते हुए वाणी और राघव का रिश्ता खत्म कर रही हैं और इसी बात को लेकर काफी बहस भी हो रही है दोनों परिवारों के बीच में। वाला देखना ये होगा कि क्या वाकई में वाणी और राघव का रिश्ता अब यहीं खत्म हो जाएगा। एंड फॉर मोर सच टेलीटॉक अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद जय शोबिज़।